हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड मोशन का पार्ट थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ वी गेट द इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ साइंस दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था कि एफ इज इक्वल्स टू एम डॉट ए होता है, मतलब मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। सपोज टू फोर्स एफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2 इन टाइम टी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर एफ फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसका मोमेंटम कैसे चेंज होता है, वो P1 से P2 में चेंज हो जाता है टाइम टी में। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब फोर्स ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, टाइम भी ज़ीरो हो जाएगा जब वो इक्वल के साइड आएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो होते ही P2 इक्वल हो जाएगा P1 के। इट मीन्स द चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी आइदर ज़ीरो और इट मे बी कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि अगर मोमेंट में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा, तो वो ज़ीरो भी हो सकता है और कॉन्स्टेंट भी रह सकता है। वी कॉल इट एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको ही हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सपोज टू ऑब्जेक्ट से टू बॉल्स ए एंड बी, कोई दो बॉल हैं जिनका मास है m1 और m2 और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 और u2 हो जाएगी। जब ये मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड मतलब होता है टक्कर, जब ये सेम डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब जो चेंज हुई है वेलोसिटी वो क्या होगी, v1 और v2। सपोज v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी आफ्टर द कॉलिजन रेस्पेक्टिवली, लेट देयर बी नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। The direction of u1, u2 and v1, v2 are shown as in the figure. यहाँ से देखो क्या है, before collision जब टक्कर से पहले इनकी velocity क्या थी, u1 और u2, जब इनमें collision हुआ, ये एक दूसरे से टकराई, तो इनकी velocity change हो गई v1 और v2 में। Next topic है हमारे पास friction, मतलब घर्षण। दिस फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन, ये फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। वैन टू ऑब्जेक्ट्स इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, फ्रिक्शन कैन बी कंट्रोल्ड अप टू लिमिट। We know that any ball will move a long distance on a smooth surface as compared to rough surface. ये हम जानते हैं कि अगर हम किसी बॉल को स्मूथ सरफेस पे मूव करवाएंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी, किसके कंपैरिजन में, एक रफ़ सरफेस। कोई उबड़ खाबड़ रोड है उस पर आप एक बॉल को खिसकाओ, क्या होगा, थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करके वो रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ईजी टू राइड ऑन बाइसिकल ऑन कॉल्टर रोड एज कम्पेयर टू रफ रोड। क्या होगा, अगर एक प्लेन रोड है, सीधी रोड है, तो उस पर बाइसिकल चलाना ज़्यादा इजी होगा किसके कंपैरिजन में, कोई रफ रोड के कंपैरिजन में। तो यहाँ हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इन चीज़ों को कंपेयर करके देख रहे हैं। हमने क्या पढ़ा कि कोई भी मोशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता ही है। इसको हम कम कर सकते हैं लेकिन फ्रिक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट इन एयर, एयर में, लिक्विड में, सब जगह फ्रिक्शन लगता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
अब हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। वी कैन डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैथमेटिकली दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एफ इज इक्वल टू एम यू एन। अगर हम इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स दैट इज नेसेसरी टू पुश द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पुश करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है या जो फोर्स लगाना पड़ता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल। आप कह सकते हो नेसेसरी फोर्स। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है वो अनदर ऑब्जेक्ट पर स्लाइड कर रहा है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट्स अप टू व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन रिमूविंग द फ्रिक्शन फोर्स। The friction force is still works. Due to this, the velocity of a body decreases and it comes to position of rest. जब हम स्लाइड करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन जो पैदा होगा उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम देंगे। नेक्स्ट फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। When bricks is rolled by three or four cylindrical rollers such as pencil or iron cylindrical pieces, then we find that it is always easier to roll than to slide a body over another. रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एक तो आप किसी चीज़ को पुश करके लेके जा रहे हो, धक्का दे के ले जा रहे हो, और एक आप उसके नीचे उस सरफेस के नीचे कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट लगा देते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को आसानी से खिसका पाओगे और उसमें फोर्स भी कम लगेगा। फ्रिक्शन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन एयर एंड लिक्विड। एयर और लिक्विड में कैसे फ्रिक्शन लगता है, एयर वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। दिस फ्रिक्शन इज कंपेरेटिवली लेस देन ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑन सॉलिड सर्फेस। सॉलिड सर्फेस पर जो फ्रिक्शन लगता है उससे कम फ्रिक्शन लगता है एयर और लिक्विड में। कैसे, व्हेन कॉमेट्स एंटर फ्रॉम यूनिवर्स टू अर्थ एटमॉस्फियर देन ड्यू टू देयर लार्ज वेलोसिटीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। कॉमेट्स क्या होते हैं, धूमकेतु। धूमकेतु जब अर्थ के एटमॉस्फियर में एंटर करते हैं यूनिवर्स से तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब एयर फ्रिक्शन लगता है उन पे तो वो इल्यूमिनेट हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ देम वेपोराइज्ड बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस को टच करने से पहले वो वेपोराइज्ड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एयर फ्रिक्शन लगता है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग व्हीकल्स कार्स एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सो डिजाइन टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। कंट्रोल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन बिटवीन टू सर्फेसिस। क्या होगा, जब कोई फास्ट मूव करने वाले व्हीकल्स हैं, कार है, एरोप्लेन है, ये पहले से ही इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि इनमें कम से कम फ्रिक्शन लगे। देखेंगे कि इस फ्रिक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाते हैं, मतलब बहुत गर्म हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये मोशन को कम कर देते हैं। अगर कोई फास्टली मूव कर रही है तो उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस भी होता है। टू मेंटेन द सेम स्पीड इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। क्या होगा, अगर हमें सेम स्पीड चाहिए मशीन की तो हमें उस पर अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स को ताकि हम फ्रिक्शन को कम कर सकें। तो फर्स्ट मेथड कौन सा होगा फ्रिक्शन को कम करने का, स्मूथ सरफेस हैव लेस फ्रिक्शन। चिकने जो सरफेस होते हैं उन पर फ्रिक्शन कम लगता है। वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी बाय मेकिंग देम स्मूथ। कोई भी मशीनरी पार्ट है, अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं जिससे वो चिकनी हो जाए,
उसका जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाए। तो जैसे ही सरफेस स्मूथ होगा क्या होगा, पहले जैसी वो स्पीड आ जाएगी और उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। सेकंड है, ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव सच शेप्स विथ रिड्यूस देयर फ्रिक्शंस। जो व्हीकल्स हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि कम से कम फ्रिक्शन लगे, जिसमें नेसेसरी हो उसी में ही, क्योंकि फ्रिक्शन के फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉल होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग। द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल सेव्स एनर्जी एंड लेबर। नेक्स्ट टॉपिक है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स को हिंदी में बोलते हैं स्नेहक, जो कोई भी रिएक्शन को कम कर दे, रिड्यूस कर दे, वो क्या होंगे, लुब्रिकेंट्स। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जो सब्सटेंस रिड्यूस कर दे फ्रिक्शन को, यानी फ्रिक्शन को कम कर दे, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का मतलब क्या है, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस स्टेट में भी हो सकते हैं। When lubricant is used between two moving surface, then particles of the lubricants move inside the irregular part of the surface and make a thin layer. जब कोई दो surface पर lubricant apply किया जाता है तो क्या होगा, जो उनके particles है वो move करेंगे और एक thin layer बना देंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई machine है, चाहे वो cycle हो, watch हो या फिर कोई heavy machine हो, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं या फिर ग्रीस डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, उसका जो सरफेस है वो चिकना हो जाएगा और आपको पता ही है जो स्मूथ सरफेस होता है वहाँ पर फ्रिक्शन कम लग पाता है, इसलिए क्या होगा, उसकी जो मशीन की स्पीड है वो वापस पहले जैसी हो जाएगी। इन द सेम वे जैसे आप कैरम खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो ना, तो क्या करते हो, कैरम बोर्ड पर पाउडर लगा लेते हो ताकि जो वो गोटियाँ हैं उसकी वो अच्छे से स्लाइड कर सके। क्यों आपने पाउडर क्यों लगाया, ताकि सरफेस क्या हो जाए, चिकना हो जाए और फ्रिक्शन कम लगे, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा तो स्पीड कम हो जाती है और आपको चाहिए कैरम खेलने के लिए ज़्यादा स्पीड। तो ज़्यादा स्पीड कब आएगी, जब सरफेस स्मूथ होगा यानी फ्रिक्शन कम होगा। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ में लिए जाते हैं उनको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्या ज़रूरत है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन मैच स्टिक्स एंड स्टिक्स आर मेड रफ सो दैट दे गेट इजीली बर्न्ड। आपने देखा होगा माचिस की डिब्बी और माचिस की तिल्ली, क्या करते हो आप, माचिस की तिल्ली को जो साइड में रोगन लगा हुआ होता है उससे रगड़ते हो और रगड़ने से क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन के लगते ही क्या होगा, वो माचिस जो है मैच स्टिक वो जल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ रही है, फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। ऑन मूविंग फॉरवर्ड वी यूज़ बोथ लेग्स ऑन वन फॉर एक्शन एंड अनदर लेग यूज टू स्टॉपिंग स्लीपिंग डाउन। क्या होगा, जब आप चलते हो तो एक पैर आगे की तरफ और एक पैर पीछे की तरफ, इस तरह चलते हैं अपन। क्यों चलते हैं, क्योंकि ताकि हम फिसलने से भी बचे रहें और आगे की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। तो जब आगे की तरफ हम मूव करेंगे तो पीछे की साइड क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो आप वॉक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, जो व्हीकल्स हैं उनके जो व्हील्स हैं उनमें भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। When wheels of a vehicle move forward, then they apply a force in backward direction. जब व्हील आगे की तरफ मूव करता है या गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तब क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है पीछे की साइड, हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ़ फ्रिक्शन फोर्स इज लेस और व्हील इज इन सैंड और इन मड, देन ऑन अप्लाइंग फोर्स इट रोटेट्स ऑन प्लेस। क्या होगा, जब फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम मतलब चिकनी सतह है, चिकनी सतह होगी तो क्या होगा, आप मूव नहीं कर पाओगे। जैसे कोई सैंडी एरिया है जहाँ पर रेत है या फिर कोई दलदल है, कीचड़ है, उसमें अगर कोई चीज़ फंस जाए, कोई व्हील फंस जाए, तो क्या होगा, वो वहीं घूमता रहेगा,
वो ना तो आगे की तरफ जा पाता है और ना ही पीछे की तरफ आ पाता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग पा रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा और उसी जगह पर रोटेट होता रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के भी काम आती है। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आवर लेग फॉल्स ऑन पील ऑफ बनाना देन वी एक्सपीरियंस इन एन इक्विलिब्रियम दिस इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग वी फील अनसेफ ऑन स्मूथ सरफेस दिस इज ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे कोई केले का छिलका पड़ा हुआ है और आप चल रहे हो, चलते चलते आपने उस पर पैर रख दिया तो क्या होगा, आप तुरंत फिसल जाओगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो छिलका है केले का उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका सरफेस क्या है, बहुत स्मूथ है, और स्मूथ सरफेस होते ही आप फिसलना स्टार्ट हो जाओगे। तो जब हम कोई स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो हम अनसेफ फील करते हैं क्योंकि हमें फिसलने का डर होता है। ये सब किस कारण होता है? ये फ्रिक्शन की कमी के कारण होता है। इसलिए आप समझ चुके हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और इसके कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं? वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। वॉक करना पॉसिबल नहीं होगा जब फ्रिक्शन नहीं होगा। आवर फुट प्रेसिंग द ग्राउंड विल ऑनली स्लिप। क्या हो गया, हमारे जो पैर हैं वो चलने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स का नाम देते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। फ्रिक्शन हेल्प्स टू मूव टायर्स ऑन रोड। विदाउट फ्रिक्शन यू कैन नॉट ड्राइव और टर्न योर व्हीकल। क्या होगा, जो व्हीकल्स के टायर होते हैं वो रोड पर फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं जिससे वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, और जब व्हीकल को टर्न करना हो तब भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो ना तो व्हीकल चल पाएगा और ना वो टर्न हो पाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल्स विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। गाड़ियों में जो ब्रेक्स होते हैं वो भी नहीं लगेंगे तब जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट है, नट्स एंड बोल्ट्स फॉर होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ मशीनरी टुगेदर विल नॉट वर्क। नट बोल्ट देखे आपने, वो एक दूसरे को होल्ड करके कैसे रखते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो नट और बोल्ट दीवार में जो हमने लगाए हैं वो वापस आ जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। तो देख लो फ्रिक्शन फोर्स कितना ज़रूरी होता है। वी कैन नॉट राइट विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल विदाउट फ्रिक्शन। हम लिख भी नहीं पाएंगे, हम पेन और पेंसिल से कॉपी या पेज पर लिख भी नहीं पाएंगे जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस है तो उस पर पेन और पेंसिल चलेगी ही नहीं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या नुकसान होते हैं? तो फर्स्ट है, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ मशीनरी इन कॉन्टैक्ट, दस देयर लाइफ टाइम रिड्यूसेस। क्या होगा, जब फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है मशीन पर तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होने लग जाएगा, मतलब वो ख़राब होने लग जाएगी। और फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, व्हीकल्स में 20% फ्यूल का लॉस भी होता है, ज़्यादा फ्यूल लगता है। फ्रिक्शन फोर्सेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। और फ्रिक्शन फोर्स लगने से व्हीकल्स हैं या मशीन है उनमें ज़्यादा हीट लगती है, और क्या होगी, जब ज़्यादा हीट बढ़ेगी तो मशीन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी और मशीनों में जो एनर्जी का लॉस होगा वो अलग से। तो फ्रिक्शन नुकसानदेह भी है। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, जोर, किसी ऑब्जेक्ट पर जोर लगाना, और प्रेशर क्या होता है, दाब। थ्रस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। बॉडी के जो यूनिट एरिया पर फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर इज इक्वल टू, आप कह सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना एरिया कवर कर रखा है, उस पर कोई फोर्स लगता है तो उसको हम कहते हैं प्रेशर।
प्रेशर डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स एंड एरिया ऑफ द सरफेस। जो प्रेशर है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है और एक सरफेस का एरिया क्या है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया क्या है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्योयंसी फोर्स या ब्योयंसी। ये क्या होता है? ये एक ऐसी क्वालिटी होती है लिक्विड की जो कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स लगाने पर लगती है। द क्वालिटी ऑफ एन लिक्विड बाय विच एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड ब्योयंसी। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को, कोई हल्का ऑब्जेक्ट है ठीक है, उसको हम पानी के अंदर डुबो रहे हैं तो हमें क्या फील कर होता है कि हम उसको डुबो रहे तो अंदर की साइड है लेकिन उस पर एक फोर्स लग रहा है जो उसको बार बार ऊपर की तरफ लेके आ रहा है, तो उसी फोर्स को बोलते हैं ब्योयंसी फोर्स। टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बॉडी। दो फोर्स अप्लाई होते हैं बॉडी पर, कौन कौन से? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन बॉडी एक्ट्स डाउनवर्ड। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो कोई भी बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आएगी, डाउनवर्ड्स में जाएगी, और अगर ब्योयंसी फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी ऊपर की तरफ उठ जाएगी या ऊपर की तरफ मूव करेगी। इफ़ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट उसके फोर्स से ज़्यादा है तो क्या होगा? इट सिंक्स इन द लिक्विड, तो वो लिक्विड में डूब जाएंगी। अगर वेट ज़्यादा है फोर्स से तो वो लिक्विड में डूब जाएगी, और अगर वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो फोर्स के कंपैरिजन में कम है तो वो पार्शली सिंकिंग होगी, मतलब कुछ तो डूब जाएगी और कुछ ऊपर की तरफ रहेगी। और अगर वेट फोर्स के इक्वल है तो वो बॉडी तैरेगी वाटर के अंदर, ठीक है। इफ़ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ब्योयंसी देन बॉडी फुल्ली फ्लोट्स इन वाटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ब्योयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और ये किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी पर डिपेंड करता है, किसकी? लिक्विड की डेंसिटी पर। देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ अ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेटर डेंसिटी देन दैट ऑफ अ लिक्विड सिंक इन द लिक्विड। बोला गया है कि अगर फोर्स जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में? वेट के कंपैरिजन से। वेट ज़्यादा है और फोर्स कम है तो वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, लेकिन अगर फोर्स ज़्यादा है ठीक है और वेट कम है तो क्या होगा? वो उस पर तैरने लगेगा, लेकिन अगर फोर्स और वेट दोनों इक्वल है तो वो आराम से तैरेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड, जब कोई बॉडी कोई लिक्विड में फुली या फिर पार्शली तरीके से डूबी हुई है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो उस पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसको हमने ब्योयंस फोर्स बोला है, वो क्या होगा? उस वेट के इक्वल होगा या उस एरिया के इक्वल होगा जो उसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। इसी को कहा गया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है? इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडीज। कोई भी बॉडी है उसकी रिलेटिव डेंसिटी को समझने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जैसे शिप है, सबमरीन्स हैं, उनको डिज़ाइन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और दो इंस्ट्रूमेंट है, एक तो लैक्टोमीटर और एक हाइड्रोमीटर, ये भी इसी के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। लैक्टोमीटर का काम क्या होता है? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ अ सैम्पल ऑफ मिल्क। मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के काम आता है लैक्टोमीटर। और हाइड्रोमीटर यूज में आता है कोई भी लिक्विड है उसकी कितनी डेंसिटी है उसको डिटरमाइन करने के। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? यानी घनत्व। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट के यूनिट वॉल्यूम का मास उसकी डेंसिटी होता है। अगर मास
को m से रिप्रेजेंट किया जाए और वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाए तो डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। वाटर में उसकी डेंसिटी क्या है, एक तो वो अपॉन में क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।